Hello, welcome to Arvind Singh Academy, and we are going to discuss today the first chapter of physics, that is motion. So I hope you are excited to learn about the motion. This is the first topic, and 9th class में आने के बाद फिजिक्स अलग से, केमिस्ट्री अलग से, बायोलॉजी अलग से ये सुनने को मिल रहा है. 8th क्लास तक तो साइंस ही पढ़ रहे थे, और यहाँ पे अब फिजिक्स एक अलग चैप्टर के रूप में मिल रहा है. तो फिजिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन, और मोशन क्या है ये समझने की पहले कोशिश करते हैं. टॉपिक का जैसा कि सेंस है कि मोशन, मोशन से क्या समझते हैं. तो मोशन एक रिलेटिव वर्ड है, अकेले मोशन को नहीं समझाया जा सकता. ये एक रिलेटिव वर्ड है, इसको तभी समझा जा सकता है जब आप रेस्ट को समझें. तो हम सबसे पहले बात करेंगे रेस्ट की, कि रेस्ट क्या होता है. तो रेस्ट समझ लेंगे तो मोशन समझना आसान है. अब रेस्ट क्या होता है, जैसे आपका घर है तो रेस्ट में है, घर पूरा घर आपका रेस्ट में है, वो चलता नहीं. कैसे नहीं चलता है, क्योंकि उसके आपके पड़ोसी का घर और आपके घर दोनों के मुकाबले जो दूरी है वो हमेशा फिक्स रहती है. आज भी उतनी ही दूरी है, जैसे आपके दोस्त का घर आपका घर से 50 मीटर की दूरी पे है, कल भी 50 मीटर रहेगा, परसों भी 50 मीटर रहेगा, तरसों भी 50 मीटर ही रहेगा. मतलब समय बदलने के साथ स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है. पोजीशन इज नॉट गोइंग टू चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम रेस्ट में कह सकते हैं. लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, लेकिन टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रही है. लेकिन अब आप कह सकते हो, आपके दिमाग में आ रही होगी बात कि सर अर्थ ही मूव कर रहा है, अर्थ लगातार अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है. तो अर्थ पे जितनी चीजें हैं सब रोटेट कर रही हैं उसी वेलोसिटी से, कर रही हैं कि नहीं कर रही. अगर एक गेंद पे हम कोई पॉइंट मार्क कर दें और गेंद को फेंक दें तो पॉइंट का वहीं रह जाएगा कि पॉइंट भी गेंद के साथ जाएगा. आपने कोई रेट से मार्क कर दिया बॉल पे, और जब गेंद आप फेंक देते हो तो गेंद के साथ वो पॉइंट भी जाता है कि वहीं रह जाता है, वो भी जाता है. तो पॉइंट चूंकि गेंद पे है इसलिए पॉइंट भी मोशन में है. जब गेंद मोशन में है पॉइंट भी मोशन में है. तो अर्थ जब मोशन में है तो अर्थ पे जितनी चीज है वो भी मोशन में है. और एक नहीं दो तरह का मोशन है अर्थ पर, एक एक्सिस पे रोटेट कर रहा होता है अर्थ, और एक सन के अराउंड चक्कर ट्रांसलेटरी मोशन होता है, ऐसा आपने सीखा होगा. तो ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई कि भाई अर्थ पे जितनी चीज है वो उतनी ही स्पीड से मूव कर रही है जितनी स्पीड से अर्थ का एक्सिस पे रोटेशन हो रहा है. तो एक रोटेशनरी मोशन भी है और एक ट्रांसलेटरी मोशन भी है. तो फिर घर रेस्ट में कैसे, है ना सवाल? सवाल है कि नहीं है कि घर रेस्ट में कैसे? तो हम ये कह सकते हैं कि रेस्ट भी तभी कहा जाएगा जब उसकी कंपैरिजन नियर बाई ऑब्जेक्ट से हो, विद सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. सराउंडिंग के हिसाब से, जैसे आपका घर आपके दोस्त का घर 50 मीटर की दूरी पे है तो सराउंडिंग में है. घर के बगल में जो बगीचा है, जो पेड़ है, जो सड़क है, वो सब क्या है, नियर बाई ऑब्जेक्ट है. तो नियर बाई ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम रेस्ट में कहेंगे. टाइम के साथ नियर बाई ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अगर किसी बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो उसको कहा जाएगा कि बॉडी रेस्ट में है. तो ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट्स पोजीशन नॉट चेंजेज विथ टाइम, विथ चेंज ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. तो सबसे पहले हम, हालांकि सिलेबस में नहीं है लेकिन हम चाहेंगे कि आप रेस्ट के बारे में लिख लें. तो रेस्ट क्या है, लिखेंगे अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट, सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग नॉट चेंजेज विथ चेंज
change of time, change of time, right? For example, a book laying on the table, laying on the table in your study room, ठीक है? Unless and until someone pick up this book and place somewhere else, the book is laying on the table itself, and the position of this book with respect to the chair, nearby chair, table lamp, fan, and other articles placed in your room, it's not going to change. तो ये rest में कहा जाएगा. तो rest एक word है जो relative है. किसके respect में? With respect to its surrounding. अकेले rest को define नहीं किया जा सकता. रेस्ट वाली चीज अकेले नहीं हो सकती, किसी न किसी से कंपैरिजन करना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में. तो उसी तरह से बॉडी को भी मोशन में तभी कहा जाएगा जब बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ लगातार बदल रही हो विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो बॉडी को मोशन में कहा जाएगा, है ना? तो बॉडी मोशन में तब कहा जाएगा जब बॉडी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग चेंजेज विद चेंज ऑफ टाइम. लेकिन जरा सोचो बच्चों, हम बस में जा रहे होते हैं या ट्रेन में कहीं जा रहे होते हैं. दिल्ली से आप ट्रेन में चल दिए और पटना के लिए जा रहे हैं, दिल्ली से पटना जा रहे हैं, तो आपके साथ में जितने पैसेंजर्स हैं वो सब 24 घंटे तक, या अगर मान लीजिए जर्नी लग रहा है 20-22 घंटे तो लगते ही हैं, तो 20-22 घंटे तक सारे पैसेंजर आपके साथ ही है, उसमें से कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो क्या आप रेस्ट में हैं? नहीं, ट्रेन तो मोशन में है, और ट्रेन मोशन में है तो आप भी मोशन में हैं, लेकिन आप अपने को पैसेंजर के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हैं. को पैसेंजर के रिस्पेक्ट में जो आपसे 1 मीटर की दूरी पे बैठा है वो अगले 10 घंटे तक 1 मीटर की दूरी पर ही बैठा रहेगा, या 5 घंटे तक बैठा रहेगा, 1 घंटे ही मान लीजिए, 1 घंटे ही बैठा रहेगा, तो 1 घंटे वो आपसे उतनी ही फिक्स डिस्टेंस पे है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही. या बस में आप अपने शहर से कहीं दूसरे शहर में जा रहे हैं 1 घंटे के लिए भी, तो 1 घंटे के लिए आपका को पैसेंजर जो साथ में बैठा हुआ आदमी है उसके रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में है. लेकिन बस के बाहर की दुनिया, बस के किनारे जो और व्हीकल हैं उसके रिस्पेक्ट में, सड़क के किनारे जो पेड़ पौधे हैं जो उनके रिस्पेक्ट में आप मोशन में हैं. इसलिए एक पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं कहा जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें आती है, उन सब से तुलना की जाए तो हम कहेंगे कि हम क्या है, हम बस में बैठे हैं बट हम मोशन में हैं. और हम मोशन में इसलिए हैं क्योंकि बस मोशन में है, तो बस में रखी हुई हर एक चीज मोशन में है, और हर एक चीज मोशन में है किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. सराउंडिंग में लगातार बस की पोजीशन सड़क के रिस्पेक्ट में लगातार चेंज होती जा रही है, इसलिए हम कहेंगे कि हम क्या है, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग वी आर इन मोशन, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू को पैसेंजर वी आर इन रेस्ट. तो ये हम कह सकते हैं कि एक कंपैरिजन किसके साथ हो रही है उस पे ये डिसाइड होगा कि कोई बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है. हम अगर सन से कंपैरिजन करें तो हम मोशन में हैं, क्योंकि सन के रिस्पेक्ट में हमारी पोजीशन लगातार बदल रही है, तो सन के रिस्पेक्ट में हम मोशन में हैं. लेकिन हम अपने ही नियर बाई ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर तुलना करें तो हम कहेंगे कि हम किस में हैं, रेस्ट में हैं. अगर हम चुपचाप बैठे हैं अपने घर में तो हम रेस्ट में. तो आप क्लासरूम में बैठे हैं तो आप रेस्ट में, आप अपने घर में बैठे हैं तो रेस्ट में हैं, बसरते उछल कूद घर में ना कर रहे हो. तो रेस्ट में आप तभी हैं जब आपकी पोजीशन अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है. जैसे ही चेंज होने लगेगा वैसे ही आप मोशन में कहे जाएंगे. तो मोशन का भी एक डेफिनेशन हो गया, इसी तरह से जैसे रेस्ट का डेफिनेशन है वैसे ही एक डेफिनेशन मोशन का हो गया, कि मोशन क्या है. A body is said to be in motion if its position changes with respect to surrounding. Motion, motion का definition लिखते हैं. A body
is said to be in motion if its position not changes with respect to its surrounding with change of time. टाइम हमेशा इंक्रीजिंग होता है, टाइम डिक्रीजिंग नहीं होता, तो विथ इंक्रीजिंग टाइम ये लिख सकते हैं, ठीक है, समय के बदलने के साथ। तो समय के बदलने के साथ बॉडी अगर अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है तो उसको हम कहेंगे मोशन में, नॉट चेंज नहीं चेंजेज, नॉट चेंजेज तो रेस्ट हो गया और चेंजेज है तो क्या हो गया मोशन, तो यहाँ चेंजेज होना चाहिए, ठीक है ना, चेंजेज विथ टाइम, तो ये हो गया मोशन। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए कार इज रनिंग ऑन द रोड, अगर कार कोई सड़क पे दौड़ रही है, ठीक है ना, मूविंग कार इज रनिंग एक ही चीज है, ठीक है। ए बॉय इज रनिंग ऑन द ट्रैक, बॉय इज रनिंग ऑन द ट्रैक ऑन द ट्रैक, ये मोशन है, ठीक है। तो ये कंपेरिजन नियर बाई ऑब्जेक्ट के साथ हो रही है तो उसको हम कहेंगे कि वो किस में है, मोशन में। तो मोशन तभी होगा, जैसे आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, तो मोशन में है। चलिए इसको हम थोड़ा और बेहतर तरीके से सीखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और दिखाते हैं कि मोशन में एक्चुअली होता क्या है, ठीक है ना। तो मोशन में आदमी चलता है तो क्या होता है, ये पहले सीख, ये देखें, ये बालक जो है ये अपनी पोजीशन के हिसाब से लगातार चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन, इसलिए इसको हम मोशन में कह सकते हैं। अब इसकी दौड़ रहा है तो आप इसको क्या कह सकते हैं कि इसकी ये मोशन में है। इसकी पोजीशन देखिए, इसके रिस्पेक्ट में लगातार चेंज होती जा रही है और पोजीशन चेंज होने की वजह से हम इसको कहेंगे कि ये मोशन में। ये देखें, ये कार जो है, आपको ऐसा लग रहा होगा देख करके कि ये कार जो है वो पेड़ पौधे ऐसा लग रहा है कि चल रहा है, ये भी कह सकते हैं कि पेड़ पौधे जो है ऐसा लग रहा है कि चल रहा है। और इस एनिमेशन में आप देख रहे हैं कि सड़क ऐसा लग रहा है कि कार भी चल रही है और पेड़ पौधे भी चल रहा है, पेड़ पौधे चलते हुए इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि ये भी एक रिलेटिव मोशन है। रिलेटिव मोशन ये है कि पेड़ पौधे की पोजीशन भी कार के रिस्पेक्ट में लगातार बदल रही है, इसलिए उसको भी हम मोशन में कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू कार। तो पेड़ पौधे जो सड़क के किनारे दिख रहे हैं ये कार के रिस्पेक्ट में मोशन में है, क्योंकि उनकी पोजीशन कार के रिस्पेक्ट में लगातार बदल रही है विथ इंक्रीजिंग टाइम। लेकिन पेड़ पौधे रेस्ट में इसलिए माने जाएंगे कि विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग नियर बाई ट्रीज एंड सॉयल एंड अदर प्लांट्स दे आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए एक में ये खुद रेस्ट में दिखाई दे रहा। आप यहां देखें कि ये पेड़ पौधे लग रहा है कि चल रहे हैं, और पेड़ पौधे चल रहे हैं इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि कार चल रही है और पेड़ पौधे भी चल रहे हैं, ऐसा इसलिए लग रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू कार इस पेड़ पौधे की पोजीशन जो है वो लगातार चेंज हो रही है, और पोजीशन लगातार चेंज होने की वजह से ऐसा लग रहा है कि पेड़ पौधे भी मोशन में है। आप ये सही भी है कह सकते हैं कि पेड़ पौधे के रिस्पेक्ट में कार की पोजीशन लगातार बदल रही है, और कार पेड़ पौधे की पोजीशन भी कार के रिस्पेक्ट में लगातार बदल रही है, इसलिए दोनों को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में यहाँ मोशन में कहा जा सकता है। लेकिन पेड़ पौधे मोशन में इसलिए नहीं है कि डेफिनेशन में है कि विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद नियर बाई ट्रीज एंड प्लांट्स एंड अदर सॉयल एंड एवरी एनिमल्स नियर बाई, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इसलिए हम पेड़ पौधे को क्या कहते हैं, रेस्ट में। लेकिन ऐसा देख करके यहाँ अपीयर आपको जरूर हो रहा होगा कि पेड़ पौधे भी क्या है, मोशन में।
अब एक दूसरे तरह के मौसम देखिए, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि एक ऐसा मौसम है जिसमें लग रहा है कि अंदर से कुछ बाहर की ओर जा रहा है। ये क्या जा रहा है? क्या ये मौसम में है? यहाँ पे एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है और पार्टिकल अपनी पोजीशन से वाइब्रेट हो रहा है और एक वेव का जनरेशन हो रहा है, और इसमें भी एक जगह से दूसरे जगह तक एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो ये भी मोशन में कहा जाएगा। और इस प्रकार के मोशन को हम कहते हैं वेव मोशन। तो मोशन तरह तरह के हो सकते हैं, आपको ये देखना है कि वे हर एक मोशन में क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि उसकी पार्टिकल की पोजीशन अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है विथ इंक्रीजिंग टाइम और नॉट। अगर विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग टाइम उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो उसको हम रेस्ट में मोशन में कहेंगे, अदरवाइज अगर चेंज नहीं हो रही है तो उसे हम रेस्ट में कहेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, है ना? तो इस प्रकार से आप देख पाए कि मोशन में क्या होता है कि बॉडी की पोजीशन जो होती है, पार्टिकल की पोजीशन, चाहे छोटा से छोटा बारीक पार्टिकल है जैसा कि वेव में आपने देखा, उसकी पोजीशन समय के साथ टाइम के साथ चेंज हो तो हम उसको कहेंगे चेंज, तो उसको भी मोशन में कहेंगे। मोशन में कई बार मोशन स्लो और फास्ट हो सकती है, और आप देखे होंगे कई बार बहुत ही ज्यादा तूफानी और विनाशकारी भूकंप आते हैं, हवाएं भी चल रही हैं, बहुत तेज चल रही हैं, अनकंट्रोल्ड लाइक हरिकेन जैसे आता है, या बहुत ज्यादा जैसे सुनामी आ रहा है, तो इस तरीके का ये अनकंट्रोल्ड मोशन ऑफ पार्टिकल्स हैं, लाइक वाटर की पार्टिकल या एयर पार्टिकल हो या डस्ट हो या कोई लैंडस्लाइड होती है तो वहां पे भी होता है मोशन, या स्नोफॉल होती है तो वहां पे भी मोशन होती है। तो ये आप अपने एग्जाम्पल देख सकते हैं, कई जगह डैम बने हुए हैं, वाटर की मोशन होती है बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से, जब पानी गिरता है ऊपर से डैम से तो नीचे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है। तो कई बार ऐसी तूफानी आप आंधी देखते होंगे, या ऐसा कोई विंड पावर की वजह से कि पेड़ उखड़ के एक दूसरे जगह चले जाते हैं, घरों के छप्पर ऊपर से निकल जाते हैं, ये सब क्या है? ये ऑल जो है वो इरेटिक मोशन में आता है, और इस तरीके का जो मोशन है ये अनकंट्रोल्ड मोशन होता है कई बार। तो मोशन कई तरह के हो सकते हैं, इस चैप्टर में हम इन्हीं सब बातों को बारी बारी से सीखेंगे कि मोशन कितने तरह का होता है, और मोशन कब कंट्रोल्ड कहा जाएगा, कब अनकंट्रोल्ड कहा जाएगा, उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। और इसके बाद हम सीखेंगे कि मोशन में जब पोजीशन चेंज होती है तो पोजीशन क्या है। सबसे पहले तो ये सीखते हैं कि पोजीशन क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपका स्कूल आपके घर से 2 किलोमीटर दूर है, मान लेते हैं कि आपका स्कूल आपके घर से 2 किलोमीटर दूर है, तो 2 किलोमीटर दूर होने की वजह से आपका स्कूल कहाँ पे कितना दूर है ये बात हमें पता करनी है कि 2 किलोमीटर दूर है तो कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे। तो आपके घर से 2 किलोमीटर दूर है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस पॉइंट पे आपका घर है उसको हम मान लेंगे रेफरेंस पॉइंट, उसको ओरिजिन मान लेंगे, और उसके आधार पे हम ये डिसाइड करेंगे कि आपका स्कूल कितना दूर है या नहीं है। ठीक है, तो उसके आधार पे डिसाइड करेंगे कि स्कूल कितना दूर है या नहीं है। तो जो रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है ना, जो रेफरेंस पॉइंट है उसको हम मान लेंगे ओरिजिन, उसको हम मान लेंगे ओरिजिन, और उसको कहते हैं रेफरेंस पॉइंट और उसको कहते हैं ओरिजिन, और उसके रिस्पेक्ट में हम आगे की डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो जैसे डिस्टेंस हमें मेजर करना हो तो मान लीजिए कि ये रेफरेंस पॉइंट है, तो अगर रेफरेंस पॉइंट की बात करें तो ये मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका स्कूल है और ये आपका घर है, तो ये इसको कहेंगे ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस मानी जाएगी, ये वाई एक्सिस मानी जाएगी। आपका स्कूल अगर यहाँ पे है, कहीं पर एक पॉइंट है जो आपका स्कूल है, मान लीजिए ये आपका स्कूल है, तो स्कूल यहाँ से आपके घर से कितना दूर है, तो आपके घर से स्कूल की दूरी जो है वो 2 किलोमीटर है, ये मान सकते हैं कि ये 2 किलोमीटर है। अब इसको एक डायरेक्शन भी देना पड़ेगा कि 2 किलोमीटर किधर है, अगर इस डायरेक्शन में होता तो हम कहते हैं कि ये 2 किलोमीटर एक्स एक्सिस के अलोंग है, या उसको और ज्यादा बेहतर रिप्रेजेंट करने के लिए
डायरेक्शन सेंस होता है, ये डायरेक्शन सेंस हो गया। तो हम इसको कहेंगे कि ये मान लीजिए कि ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो आपको डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि हमारा स्कूल जो है वो हमारे घर से, ये जो आपका घर है ये ओरिजिन है, यहां से 2 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट। तो किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, पोजीशन और डायरेक्शन दोनों चाहिए। ये हुआ, इसको हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह से इसको हम कहेंगे क्या, इधर की ओर को क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट। और इधर की तरफ को कहेंगे साउथ वेस्ट, इधर की तरफ को कहते हैं साउथ ईस्ट। तो ये एग्जैक्ट अगर 45 डिग्री के एंगल पे है तो इसको हम कहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमारा स्कूल हमारे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे रेफरेंस पॉइंट। इसको कहेंगे, इस ओरिजिन को हम कहते हैं क्या? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, जहां से हम रेफरेंस ले रहे हैं। 2 किलोमीटर कहां से है? कोई पूछेगा कि आपका स्कूल कितना दूर है, तो 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर कहां से? तो मेरे घर से। तुम्हारे दोस्त के घर से हो सकता है कि 1 किलोमीटर हो, तुम्हारे दूसरे दोस्त के घर से हो सकता है 500 मीटर ही हो, कोई तुम्हारा तीसरा दोस्त होता हो सकता है कि 5 किलोमीटर दूर से आता हो। तो जब तक रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा तब तक हम बॉडी की पोजीशन को डिफाइन नहीं कर सकते। तो पोजीशन कैसे डिफाइंड होगा? पोजीशन ऑफ ए बॉडी कैन बी डिफाइंड विथ अ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बोथ, है ना? डिस्टेंस भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट विथ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यहां पे मैग्नीट्यूड क्या है? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो आज हम सीख चुके कि पोजीशन क्या है, मोशन क्या है, रेस्ट क्या है ना? और हम बॉडी को रेस्ट में और मोशन में जब तक किसी दूसरे बॉडी से कंपेयर ना करें तब तक नहीं कह सकते कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। एक ही बॉडी एक समय में रेस्ट में भी हो सकती है किसी एक बॉडी के कंपेयर में, और मोशन में भी हो सकती है किसी दूसरे बॉडी के कंपेयर में। जैसे अर्थ पे जितनी भी चीजें हैं ये सारी सन के रिस्पेक्ट में या मून के रिस्पेक्ट में क्या है? मोशन में है, लेकिन नियर बाई ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट में भी हो सकते हैं। तो इसलिए सराउंडिंग का भी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं होता, इसलिए कंपेरेटिव वर्ड है। जब तक कंपेरिजन नहीं होगा तब तक किसी बॉडी को रेस्ट में है या मोशन में है कहना मुश्किल होगा। तो डेफिनेशन में विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग लिखना जरूर लिखें, भूले नहीं। और रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट यही है कि जब हम अपने नियर बाई ऑब्जेक्ट से तुलना करते हैं उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती तो रेस्ट है, अगर चेंज होती है तो मोशन में। ठीक है, इतनी छोटी सी बात है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं और बात करेंगे कि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन क्या है ब्रेक के बाद। ठीक है।